की आंखों के सभी सपने साकार हो, या रब हमारे देश में बिटिया का मान हो, या रब हमारे देश में बिटिया का मान हो। हर साल की भांति इस वर्ष भी नवंबर के अंत में सोनी कला केंद्र के द्वारा महिला सशक्तिकरण सम्मान समारोह का आयोजन होना है, जिसकी जानकारी देते हुए संस्था के सचिव धीरज सोनी ने कहा कि बीते 22 वर्षों से हमारे संस्था द्वारा महिला सशक्तिकरण सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बिहार के सभी जिलों से ऐसी महिलाओं को चयनित किया जाता है जिन्होंने समाज में अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर अपनी पहचान बनाई हो, जिन्हें सम्मानित कर संस्था उनके हौसला को और बढ़ाती है। और पिछले कई वर्षों से देखने को भी मिला है, जिन जुझारू महिलाओं को सम्मानित किया गया है वह समाज में और भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। यही संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि हर नारी को अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करना है, जिसके लिए हर वर्ष बिहार के सभी जिलों से 101 सशक्त महिलाओं को चयनित किया जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है। इस अवसर पर दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रमुख राजकुमार नाहर ने कहा कि बिहार सशक्त महिलाओं की भूमि रही है। यहाँ महिला सशक्तिकरण सम्मान का मेगा आयोजन धीरज सोनी का यह प्रयास जो लगातार कई वर्षों से चला आ रहा है काबिले तारीफ है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक अमन कुमार ने कहा कि महिलाओं में क्षमता बहुत होती है, अपने स्तर पर ऐसी प्रयासरत महिलाओं के सहयोग के लिए खड़ा है पंजाब नेशनल बैंक। इसमें सम्मानित होने वाली लघु एवं कुटीर उद्योग से जुड़ी महिलाएं लाभान्वित हो सकती हैं। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने भी अपनी बातें रखी। उन सभी का भी मानना है कि सफल महिलाओं के साथ पुरुषों का भी बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वह पति के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो या दोस्त के रूप में, उन्हें कहीं ना कहीं पुरुषों का भी सहयोग मिलता है और पुरुषों के सफलता में भी महिलाओं का हाथ होता है, इसलिए यह दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शायद पूरे बिहार में एक लौता एक मंच है जहाँ हर साल इतनी सारी औरतों को चुन चुन के उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मान किया जाता है। घर के अंदर कर सकती है लेकिन समाज नहीं जानता कि वो किस लिए काम करती है। तो मैं छोटा सा शब्द बोलना चाहूंगी, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। जब को जीवन देने वाली मौत की तुझसे हारी। थैंक यू मैम। क्या बात है, उपस्थित हैं रोशनी सिंह जी, हम चाहेंगे यहाँ मैं 20 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ एज ए जॉब लाइन, स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ या लेडीज के साथ। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि व्हाट आई कैन डू फिजिकली प्रॉपर्ली स्पिरिचुअली आल्सो आई कैन डू। सो फॉर एम्पावरमेंट एक मैं आपको अच्छी बात बताती हूँ, हर इंसान में 3 एस्पेक्ट होते हैं, विल, पावर और इंटेलिजेंस। विल होती है शिवा में, जहाँ पार्वती नहीं होती वहाँ विल एस्पेक्ट होता ही नहीं, जहाँ लक्ष्मी नहीं होती वहाँ प्यार होता ही नहीं है और इसको आएंगे ही नहीं, जहाँ सरस्वती नहीं होती वहाँ इंटेलिजेंस अपने पास आएंगे नहीं, प्रभा जी आएंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप लोग सब में कितना एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को प्रूव करें कि हम कुछ कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड को ट्रीट करो, मुझे डायबिटीज हुआ, खुद को ट्रीट करो, खुद की फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी को ट्रीट करो, तब जाके आप एम्पावर्ड होते हो। सेकेंडली जो हमारी आत्मा होती है उसका कोई जेंडर नहीं होता, सो प्लीज फील एम्पावर्ड, यू आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड इन अ सर्टेन बॉडी बिकॉज हम लोग के पास सर्टेन लेसन्स टू लर्न। इफ यू आर बॉर्न टुडे एज अ वुमन वी आर सर्टेन ड्यूटीज टू, सो उसमें हम लोग शर्माना नहीं है कि हम औरत क्यों पैदा हुए हैं या नीचे क्यों। मे बी वी हैव टू डेवलप द लव एस्पेक्ट, मे बी सम वुमेन आर टॉट टू वर्क एंड वर्क हार्डर सो दैट उनके में अंदर विल एस्पेक्ट और पावर एस्पेक्ट आना चाहिए। सो वट एवर कम्स इन योर लाइफ इट इज टेक इट एज इट कम्स, जस्ट थिंक दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई कर्म, आई एम गोइंग टू डू इट एंड गो फॉरवर्ड।
और मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है यहाँ आकर। सबसे पहले तो मैं सम्मानित मंच को प्रणाम से शुरुआत करना चाहती हूँ। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजरत्नक पहतल में पीयू स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो नारी को किसी ने श्रद्धा का रूप माना, किसी ने बेटी का रूप माना, किसी ने बहू का रूप माना, किसी ने मतलब हर रूप में नारी जो है वो पूजी गई और नारी की सर्वत्र पूजा होती रही। लेकिन आज हम जिस सांस्कृतिक ह्रास के दौर में खड़े हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कितना अत्याचार, कितना शोषण और हम बिल्कुल असुरक्षित हो गए हैं। ऐसे में धीरज जी का यह कदम कि हम इतनी नारियों का सम्मान करेंगे, 101 नारियों का सम्मान करेंगे, यह बहुत बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। अगर स्ट्रांग होंगी तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और बात ऐसी है कि जो मतलब कुछ पुरुष जो हैं जो साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पुरुष ऐसे भी हैं जो महिलाओं का साथ दे रहे हैं। नहीं तो ये सम्मान समारोह में इतने सारे पुरुषों का शिरकत करना, यह साबित करता है कि स्त्रियों के साथ साथ पुरुष भी खड़े हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सारे पुरुषों के लिए भी एक बार आप लोग, और मैंने जो लिखा है उसमें है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो बेटियाँ हैं उनको जो है अपने जहन में, अपने दिमाग में ये अंतर ना आए कि तुम बेटी हो और ये बेटा है। बेटे और बेटियों को बराबर का स्थान मिले, उसी सोच पर से परिचालित होकर मैं ये गीत लिखी हूँ। या रब हमारे देश में बिटिया का मन हो, या रब हमारे देश में बिटिया का मन हो, जहनों में बेटो जितना ही बेटी की शान हो, जहनों में बेटो जितना ही बेटी की शान हो, या रब हमारे देश में बिटिया का मन हो, या रब हमारे देश में बिटिया का मन हो। पढ़ने को जाए बेटे हर एक घर से निकल कर, पढ़ने को जाए बेटी हर एक घर से निकल कर, बेटी की आंखों के सभी सपने साकार हो, बेटी की आंखों के सभी सपने साकार हो, या रब हमारे देश में बिटिया का मन हो, या रब हमारे देश में बिटिया का मन हो। बिटिया की किस्मत में भी बापू का प्यार हो, कच्ची उम्र में ना कभी उसका विवाह हो, कच्ची उम्र में ना कभी उसका विवाह हो, या रब हमारे देश में बिटिया का मन हो, या रब हमारे देश में बिटिया का मन हो। धन्यवाद। क्या बात है, तो आपने सुना इनकी सुरीली आवाज़ से एक साल शायद बीच में ड्रॉप हुआ था, नहीं तो ये कार्यक्रम लगातार सोनी कला केंद्र द्वारा पिछले 20 सालों से किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में सिलेक्ट किया जाता है 101 महिलाओं को, उनको बुला के हम लोग सम्मानित करते हैं। और इस कार्यक्रम के करने से महिलाओं में इतना भाई प्रेरणा लेके इस कार्यक्रम से इतना लोगों में अच्छा काम करने का होर मच गया कि इस बार 38 जिला में लगभग 400 महिलाओं का फॉर्म आया है। ये सम्मान मुझे मिलना चाहिए, तो कम से कम ये कार्यक्रम से बढ़ावा तो मिला, लोगों को जागरूक तो हो रही महिलाएं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सम्मान मात्र ना समझे आप लोग कि बुला के मेडल दे दिए, दो शब्द बोलवा दिए भाई, तो ये महिलाएं कितना जागरूक हो रही हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। इस कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं को जागरूक किया जाए। क्षेत्र में नेतृत्व की क्षमता नहीं बढ़ावा है उनका भी, तो उनके नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाए, इसी पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं।
कदम से कदम जानते हैं एक दूसरे की बहुत इज्जत करती है। हमारा फील्ड अलग अलग है वर्क का, लेकिन अपने फील्ड में ये अपना पता का फहरा रहा है और मैं अपने फील्ड में अपना नाम कर रही हूँ। सो हम लोग दोनों अपनी अपनी दिशा में, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि हम एक समाज में रहते हैं तो इतना जरूर है कि पुरुषों के बिना नारी अधूरी है, चाहे वो हमारे भाई हो, हमारे पिता हो, हमारे पति हो, या हमारा बेटा हो, या हमारे दोस्त हो। वैसे ही पुरुष भी अधूरे हैं यदि हमारी मतलब उपस्थिति ना हो तो। इसलिए हम एक दूसरे के हमेशा साथी हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जब कोई चुनाव होती है, कोई रैली की बात होती है, तो हर घर लोग हाथ जोड़ करके जाते हैं, पुरुषों से तो इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन क्या कभी कोई महिलाओं से पूछता है कि ये जो नेता, ये जो सरकार आपके पास आ रही है, आप क्या चाहती हैं? शब्दों से मूक हो और अर्थों से अपंग हो, हम नारी हैं ना, हम लोग को बोलने की इच्छा जाहिर करें तो माँ बाप उस समय बोल देते थे कि नहीं, आप लोग इसके लिए नहीं है। जैसे डांस मेरा पैशन था, अगर हम डांस करना चाहते थे, माँ कहती थी नहीं ये नौटंकियाँ नहीं कर सकता है, तो उस समय हम लोग को ये इजाज़त नहीं मिलती थी। एक पैशन था मन में कहीं कछुओं की कि इसको पूरा करना, तो उस मंच से जुड़ने से पहले मेरे शब्दों में यही आते, शब्दों से मूक हो और अर्थों से अपंग हो। मैं बिल्कुल व्यर्थ, लगता था कि जीवन एकदम व्यर्थ, मेरी कई आशा, मेरा पैशन कहीं उमड़ जाए, लेकिन मैं धीरज को तभी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उसके मिलने के बाद मुझे प्लेटफॉर्म मिला, मेरे डांस को पंख मिले, मुझे उड़ने की इजाज़त मिली, और सौभाग्य है मेरा, मेरे पति मेरा साथ देते हैं। आज मैं मुजफ्फरपुर से स्पेशली, मेरे पति ने मुझे भेजा है, पटना की जाइए आप, अटेंड करके आइए ये मीटिंग। तो धीरज से मिलने के बाद मुझे नारी सशक्तिकरण का स्वरूप अपने में भी दिखता है। मैं बाकियों में तो ढूंढना चाहती हूँ, मिलेगी, हर नारी सशक्त है, कोई नारी कमजोर नहीं, और उनको नारी को सशक्त बनाने में सबसे बड़ा हाथ पुरुषों का होता है। जो भी नारी अगर अपने घर से बाहर निकलती है, जो भी नारी मेरे जैसी हो या यहाँ पे बैठी जो भी नारी, उनके पीछे पुरुषों का हाथ बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उनके बच्चे भी उनको सपोर्ट करते हैं, तभी वो यहाँ आ पाती हैं। उनके हस्बैंड कहते हैं जाइए आप लोग अपने फील्ड को पंख दीजिए, आप लोग आज़ाद हैं, जाइए आप लोग काम करती आइए। तो पुरुषों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप भाइयों की वजह से हम महिलाओं को कहीं ना से, और साथ में महिला सशक्तिकरण पे भी वर्क करती हूँ। अभी जब मुझे यहाँ पर नुक्कड़ नाटक की बातें की जा रही थी, तो मैं ऑलरेडी कोटा गई, भोपाल गई, तो ऐसी चीज़ों में मुझे भी दिलचस्पी है, और हम नुक्कड़ नाटक के जरिए महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फिल्में और इस तरह के जो नुक्कड़ नाटक के जरिए हम लोगों को जागरूक करते थे, ब्रेस्ट कैंसर पे जागरूक करते थे, क्या क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, क्यों होती है सर्विस कैंसर, ऐसी हर एक चीज़ को हमने महिलाओं के बीच में उन्हें जागरूक करने की कोशिश की। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, बहुत सारे ऐसे, और ऑलरेडी हमारे हस्बैंड सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर हैं, तो वहाँ पर फैमिली वेलफेयर सेंटर रहता था, जहाँ पर मैं 5,000 महिलाओं की मुझे महिला अध्यक्ष बनाया गया था, जहाँ पर मैं सभी को इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता था, और जो भी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो वर्क है महिलाओं को बी और हम डॉक्टर पे हम ज़्यादातर काम करते हैं कि खुद करें अपने चिकित्सक, ना कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े, ना कि आपको कहीं और जाने की जरूरत पड़े। अगर आप अपने डॉक्टर खुद बनते हैं तो आप सोचिए कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंट आएगा, और जिसके लिए धीरज सर, क्योंकि धीरज सर से हमारी मुलाकात आज फर्स्ट टाइम हुई है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक सोनी कला केंद्र के बारे में जितने जानी, और मैंने जाना कि पटना में भी ऐसा होता है, रियली हमारे पीछे बहुत सारे, जैसे पुष्पा तिवारी मैम हो गई, सुशीला मैम हो गई, सारा मैम हो गई, ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिनको मैंने देखा, और मुझे अच्छा लगा कि रियली मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो चीज़ है जो ऑलरेडी मैंने किया है, और पटना तो हमारा जन्म स्थान है, पटना ही हमारा सब कुछ है, ये तो बस हम ट्रांसफर के दौरान इधर उधर
निकाला गया, बहुत सारे ऐसे महिला सशक्तिकरण में अवार्ड मिला, बहुत सारे जो गरबा का परफॉर्मेंस होता था गरबा में हमने फर्स्ट प्राइज जीते, बहुत सारे डांस, बहुत सारे नाटक, बहुत सारे जैसे हमने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे जो मूवी बनाई उसके लिए भी हमें सम्मानित किया गया। तो ऐसे बहुत सारे क्योंकि मैं इंटरेस्ट रखती हूँ इन सब चीज़ों में। पेशेंट को ठीक करना वो तो अच्छी बात है, चलो पेशेंट को ठीक करें, ट्रेनिंग देना अच्छी बात है क्योंकि महिलाएं, अगर आप महिलाएं नहीं मैं कहती हूँ जितनी भी भाई है चाहे महिला है मैं सभी को ट्रेनिंग देती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम महिलाओं को देते, नहीं नहीं, क्योंकि अभी अभी हमारे बीच में बहन आई और ये भी आई उन्होंने क्या बताया कि हमें अगर आगे बढ़ने की अगर हिम्मत लेते हैं तो उसमें पुरुषों का सबसे बड़ा हाथ होता है, रियली पुरुषों का हाथ होता है, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि पुरुष हमें रोक रहे, तो जहाँ अच्छाई वहाँ बुराई तो होगी, और हम लोग अगर अच्छे कदम पे चल रहे हैं तो निश्चित है वहाँ अच्छाई ही दिखेगी, अच्छाई ही लाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो फील्ड है इसे आप लोग धीरज सर के जरिए बिल्कुल इस फील्ड को भी अपनाएं, इसको भी सीखें, क्योंकि बहुत अच्छा होता है कि अगर आपके पास हेल्थ है तो ही आपके पास फेम भी पसंद आएगा, आपके पास कैरियर पसंद आएगा, आपके पास पैसे पसंद आएंगे। तो हेल्थ को सबसे ऊपर नंबर पे रखना है और यही ध्यान रखना है। यहाँ पर वो मंच दिया जाता है जहाँ महिलाएं अपना सपना पूरा कर सकती है, सिंगिंग डांस ये सब कुछ आपको पता है कि अगर एज भी हमारी ढल जाए ना तो ये चीज कम नहीं होती है, मजा आता है एक जीवन में। कार्यक्रम के अंत में संस्था के सचिव धीरज सोनी जो कोरियोग्राफर हैं उन्होंने महिलाओं को रैंप करने का प्रशिक्षण भी दिया। प्रेस वार्ता के आयोजन सभा में समाज सेवी विजय पांडे, प्राणिक हीलिंग एक्सपर्ट्स टीचिंग उपासना इला मित्तल, समाज सेवी राहुल देव, त्रिलोचन सिंह, डॉक्टर पूनम चौधरी, नूतन नवजीत सहित सैकड़ों महिलाएँ शामिल रहीं। प्रभाकर निराला, लाइव 24 न्यूज, पटना। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं उसी विश्वास के साथ, और यहाँ आने का फिर जब टर्न करेंगे तो बिल्कुल ये होना चाहिए शोल्डर के ऊपर एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। तो आप मेरे साथ चलिए एक बार गोल के मतलब सीधा लाइन बनाइए, सामने की ओर चल रहे हैं यहाँ पे और इस जगह पे रुकेंगे, देखिए दोनों पैर को छोड़कर आगे पीछे नहीं, उसके बाद राइट लेग को साइड करेंगे राइट साइड में, टर्न करेंगे उसके बाद राइट लेग को ही आगे की ओर लेकर जाएंगे सिर्फ पंजा, और फिर इसको टोन करेंगे धीरे से, लेकिन देखेंगे वहीं पे सामने, और सामने देखते हुए अपने शोल्डर को फेस वहीं रहेगा, सिर्फ शोल्डर आपका कंधा घूमेगा लेकिन फेस वहीं रहेगा, नजर वहीं रहेगी। टर्न करेंगे राइट लेग को आगे लग रख कर रोकेंगे, राइट लेग आगे फिर रुक जाएंगे, चलेंगे नहीं, राइट लेग को राइट लेग आगे लेफ्ट टर्न फिर राइट लेग आगे फिर लेफ्ट टर्न हो गया, यही करना है। एक बार और राइट लेग को आगे रखते हैं, टर्न करते हैं, फिर राइट को आगे ले जाते हैं, फिर टर्न करते हैं और वहां देखना है, उसके बाद लेफ्ट को ही आगे लेकर जाएंगे, फिर राइट को फिर टर्न करेंगे, फिर चलेंगे ये, और यहाँ आने के बाद जब आप स्टेज से बाहर जाते हैं तो सामने देखना है और दर्शक को हाई करते हुए तब निकलना है। तो ये हो गया सिंगल राउंड।